रुकिए। दुर्गा, आज की ट्रेनिंग आपके करियर के लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि हम आपको आपका घर टूटने से बचाने का एक मौका देंगे। अगर आज के ड्रिल में आप अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो हम प्रिंस से कहकर आपके घर पर स्टे ऑर्डर रखवा देंगे और आपका घर टूटने से बच जाएगा। मेरा घर टूटने से बचाएंगे? सच में ऐसा करेंगे? बिल्कुल। गुरु हैं हम आपके, आखिर इनाम ही तो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये हमारी तरफ से आपके लिए इनाम होगा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो बताइए, आपको ये चैलेंज मंजूर है? रुको दुर्गा, गायत्री जी, मैं बड़े वक्त से आपकी ट्रेनिंग देख रहा हूं। आपने किसी भी ट्रेनिंग सेशन में दुर्गा को ऐसी एक्सरसाइज नहीं कराई जिससे उसको रेस में फायदा और उसे रेस में किसी तरह की मदद मिल सके। हाँ, ऐसी एक्सरसाइज आपने उसको जरूर कराई है कि वो चल फिर ना सके। और ये जो घर ना टूटने वाली शर्त आप दुर्गा के सामने रख रहे हैं ना, ये भी आपकी उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। दुर्गा, हम यहाँ आपको ट्रेनिंग देने आते हैं, ना कि किसी थर्ड क्लास स्ट्रगलर ट्रेनर की बकवास सुनने। अगर आपको हमारी ट्रेनिंग से कोई प्रॉब्लम है तो आप शौक से हमें बता सकती हैं, हम ये ट्रेनिंग छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हमें ये फैसला अभी सुनना है। आपकी कोच हम हैं या फिर ये लूजर? गायत्री देवी अचानक गायब कहाँ हो? इससे पहले कि वो दुर्गा की ट्रेनिंग में भिड़ंगा डाले, उसे ढूंढ के रोकना पड़ेगा। घर टूटने की बात जो हिसोई पर, दुर्गा के सपनों से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा मैं, चाहे वो कोई भी हो। इनके दबाव में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। इनसे ट्रेनिंग लेके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इनसे ट्रेनिंग लेने से अच्छा है तुम खुद ही प्रैक्टिस कर लो। राधा सर, मुझे लगता है इस वक्त आपको यहाँ से जाना बेहतर होगा। मैंने ये फैसला कुछ सोच समझ कर लिया है एंड भरोसा कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं होंगी। क्या तुम ट्रस्ट मी? अब बताइए दुर्गा, आपको ये चैलेंज मंजूर है? बचाना चाहती हैं आप अपना घर? मम्मी जी, अगर मैं अपना घर बचाने के लिए आपके महल को गांव में बदल सकती हूँ तो फिर ये टास्क तो बहुत आसानी से खत्म कर लूँ। मैं तैयार हूँ। गायत्री देवी की गाड़ी? इसका मतलब वो औरत कहीं आसपास ही है, कहीं दुर्गा के प्रैक्टिस वाले ग्राउंड में ना पहुंच गई हो मतिया पलीत करने। तो फिर दुर्गा, आप इस मौके का क्या करेंगे? अपना घर बचाने की हिम्मत है आप में? थैंक यू, अब समझ में आया। पति की प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ पत्नी निकाल सकती है।
बिल्कुल मम्मी जी, मेरा घर है, मेरे दादाजी की खून पसीने की कमाई है, मेरे बाबा का बचपन बसा है उस घर में, वो हमारी खुशी है, हमारी जिंदगी है, इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। बहुत खूब दुर्गा, अब जब आपके लिए ये घर बचाना इतना ही जरूरी है तो फिर ये टास्क तो उसकी कीमत में कुछ भी नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब अपना टास्क ध्यान से सुनिए। आपको 200 मीटर पूरे 22.4 सेकंड्स में पूरे करने हैं, जो हमारे रिकॉर्ड से 10 सेकंड समय ज्यादा है। यशपाल जी, यहाँ अगर उन्होंने दुर्गा के साथ गायत्री देवी को यहाँ पे देख लिया तो सब समझ जाएंगे। उन्हें यहाँ से दूर लेके जाना होगा, लेकिन यहाँ से यशपाल जी को कैसे लेके जाऊं? अभी देखता हूँ जाके इसको। गुड, रुकिए, हमारा टास्क कभी पूरा नहीं हुआ और ना ही हमारी बात। आप 200 मीटर दौड़ेंगे, जैसे कि आप हर पल सांस लेती हैं, वैसे ही आप हर पल हमारी यानी कि अलावत खानदान की बहू भी है, तो आपको हमारी परंपराओं का दामन हमेशा साथ रखना होगा। मतलब कि आप एक अच्छी एथलीट हैं, तो आप साथ साथ में हमारी बहू भी हैं। यह हमारे खानदान की पंचदातु पाजीब है। आपने जिन पांव में आज तक शूज पहनकर एक एथलीट होने का फर्ज निभाया है, उन्हीं पांव में आज आप ये पाजीब पहनकर बहू होने का फर्ज भी निभाएंगे।
नई साड़ी तो पहन के आई थी गायत्री। अरे मेरे से भाग के जा रही है तू? कहाँ गायब हो गई है? मेरी एक तरीका है यशपाल जी का ध्यान रखाने का, ऐसे मुझे पूरा वक्त मिल जाएगा गायत्री देवी और दुर्गा को आगाह करने का। पाजीब आपके पैरों के जख्म को इतना खुरेदी दी कि आप स्ट्रेट रेस में दौड़ने लायक नहीं रहेंगे। जय बजरंगबली। भाग दुर्गा भाग, बचाना है घर, बचाना है अपना, भाग और तेज और तेज। कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक काम करता हूं, ग्राउंड में देख के आता हूं दुर्गा की ट्रेनिंग ठीक से चल रही है या नहीं। मीटर 22.14 सेकंड्स में आपने ये टास्क पूरा किया। अब आपका घर टूटने से तो भी नहीं बचा सकते दुर्गा। आप आइए तो सही। ये क्या कर रहे हैं? अरे प्लीज ये छोड़िए हमें, आप क्या कर रहे हैं? वो देखिए,
आप यहाँ इतनी सुबह? अरे पता मैंने क्या देखा, सवेरे सवेरे तू घर से निकली ना तो तेरे पीछे पीछे गायत्री देवी भी निकली। हमने सोचा तेरी प्रैक्टिस में कोई दिक्कत करने जा रही है, मैंने तो उसका बहुत पीछा किया पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई अचानक। समझ नहीं यार यशपाल जी, दुर्गा को स्टेट लेवल पे दौड़ने से वो नहीं रोक पाएगी। दुर्गा स्टेट लेवल सिर्फ दौड़ेगी नहीं बल्कि जीतेगी भी। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है दुर्गा की, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। अरे सर जी वो बात तो ठीक है पर एक बात समझ नहीं आ रही कि इतनी सुबह सुबह गई कहाँ पे? वो कहाँ गई उसे क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है, जाने दीजिए ना। वैसे भी घर टूटने में से 48 में से सिर्फ 18 घंटे बचे हुए, हमें अब बस उस पे ही ध्यान देना चाहिए। हाँ तू बोल तो ठीक रही है बेटा, तो चिंता मत करना बिल्कुल भी, जो तुमने सोचा है ना वो करके रहेंगे। ये जो गायत्री है ना सर जी, अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाई, मैं बोल रहा हूँ। जी बाबा चले। हाँ चल चलो चलो चलो। आप कुछ भी कर लीजिएगा दुर्गा, हम आपको आपके घर और आपकी खुशियों को बर्बाद करके रहेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।